हेलो बच्चों लोग, आप लोग कैसे हो? तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो आज की कहानी का नाम है चींटी और टिड्डे की कहानी। तो कौन कौन मेरे इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्मी का दिन था, सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मज़े से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और ज़िंदगी के मज़े ले रहा था। एक और जहां टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी और एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में जा रही थी। जब चींटी टिड्डी के पास से गुजरी तो टिड्डी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी आओ मज़े करें। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जा रही थी। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, प्यारी चींटी तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन हैं, ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करके क्यों बर्बाद कर रही हो? चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसे ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है, उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मज़े करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मज़े करो। टिड्डे ने बात पर ध्यान ना देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले, जल्दी ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नज़र आता। दिन छोटे हो गए और रात बड़ी हो गई। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी, उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मज़े ही करती रहा। अब ना उसे गाना गाने का मन कर रहा था और ना ही नाचने का। उसका भोजन ख़त्म हो चुका था, वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ़ से बचने का इंतज़ाम नहीं था। उसे लगने लगा कि गर्मी के मौसम में उसने इतने मज़े किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह ज़िंदा ही ना बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नज़र चींटी पर पड़ी जो उस अपने बिल में मज़े से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने भी लगा, उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। तो
तो बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से सीख यही मिलती है कि समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय हाथ से निकल जाने पर पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। तो बच्चों लोग, आप लोगों में से किसी किसी मेरी ये कहानी पसंद आई हो, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अब मैं मिलती हूँ आपको नई कहानी के साथ, ठीक है? तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, उनके साथ वक्त गुजारे। टाटा।